गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश यूनिट फोर से एक पोएम है क्राइंग, इसकी रीडिंग करेंगे। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई अंटिल योर प्लो इज शॉक्ड। बिट मीन्स होता है थोड़ा और शॉक्ड मीन्स होता है पूरी तरह भीगा हुआ। पोइट कहता है पोएम में कि थोड़ा रोना किसी काम का नहीं है, आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका पिलो तकिया पूरी तरह से गीला ना हो जाए। देन यू कैन जंप इन टू द शार एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। शार वो होता है जो बाथरूम में होता है जिसमें हम नहाते हैं, और स्प्लैश में छप छप करना, और फिर उसके बाद शार में कूद जाओ, मतलब बाथरूम में जाके शार ओपन करो और छप छप करके नहा लो। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा 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 हा। और तब आप क्या करें, अपनी विंडो ओपन कर सकते हैं और हंस सकते हैं। एंड इफ़ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, हा हा सिंग बैक हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट, हा हा। और तब अपनी विंडो ओपन करके आप हंस सकते हैं, और अगर बाहर से लोग आपको पूछते हैं, हाय हेलो करते हैं और ये पूछते हैं क्या हो रहा है, तो आप उनको वापस रिप्लाई कर सकते हैं हा हा, और गाना गा सकते हैं आप और कह सकते हैं हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर। हैप्पीनेस खुशी जो है वो आखिरी आंसू में छुपी हुई होती है उस, और आई वेप्ट इट हा हा, उसको पूछ दें और फिर खुश हो जाएं। आइए अब इसकी न्यू वर्ड्स देख लेते हैं, हमने न्यू वर्ड्स कौन से सीखे हैं इस चैप्टर में। शॉक्ड मीन्स होता है पूरी तरह से भीगा हुआ। शार मीन्स होता है जो बाथरूम में होता है जिसके नीचे हम नहाते हैं, फुहारा। वेप मीन्स होता है रोना। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोइट शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट। पोइट के अकॉर्डिंग, पोइट कौन होता है जो पोएम को लिखता है, अकॉर्डिंग टू पोइट, पोइट के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा रोना चाहिए या बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। पोइट ने क्या कहा था कि बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू द पोइट वी शुड क्राई अ लॉट अंटिल आर पिलो इज शॉक्ड। हमें तब तक रोना चाहिए जब तक हमारा पिलो जो है वो पूरी तरह से गीला ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट। बहुत रोने के बाद आप क्या कर सकते हैं। वी कैन टेक अ बाथ इन द शावर। बहुत ज़्यादा रोने के बाद हम शावर में नहा सकते हैं, बाथरूम में शावर होता है उसके नीचे हम नहा सकते हैं बहुत ज़्यादा रोने के बाद। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट, रीड द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम इन द मूड। जो पोएम की फर्स्ट टू लाइन्स हैं वो किस मूड में है। फर्स्ट टू लाइन्स क्या थी पोएम की, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, बहुत थोड़ा रोना जो है किसी काम का नहीं है। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज शॉक्ड, और तब तक रोना चाहिए जब तक कि हमारा जो पिलो है वो पूरा गीला ना हो जाए। तो वो सैड फीलिंग में थी, तो इसमें हमारा आंसर होगा सैड। सेकेंड पॉइंट है, क्वेश्चन सेकेंड है, इन द लास्ट फिव लाइन्स द मूड ऑफ द पोइट हैज़ चेंज्ड, वट इज इट नाउ। लास्ट लाइन थी पोएम की, उसमें उसका मूड जो है चेंज हो जाता है, तो उसका कैसा मूड हो जाता है, वेरी हैप्पी मूड हो जाता है उसका। क्वेश्चन फोर में हमारे पास राइट और रॉन्ग है, आर दीज सेंटेंस राइट और रॉन्ग। फर्स्ट देखते हैं, द पोइट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोइट क्या कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, नहीं ये रॉन्ग है। सेकेंड, द पोइट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज शॉक्ड। पोइट कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, तब तक रोना चाहिए जब तक कि पिलो आपका पूरी तरह से गीला ना हो जाए, येस इट्स ट्रू। थर्ड, द पोइट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट द पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। पोइट कहता है कि रोने के बाद आपको अपनी विंडो ओपन करनी चाहिए और
हंसना चाहिए जिससे कि जो आपको बाहर से लोग देखेंगे उनको आप दिखने में हैप्पी लगें। यस इट्स ट्रू। फोर्थ है हमारे पास, द पोइट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। पोइट कहता है कि आपको विंडो ओपन करनी चाहिए और लोगों को ये दिखाना चाहिए कि आप रो रहे हैं। नहीं, इट्स रॉन्ग।